फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि और आज हम देखने वाले दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से खाना परोसा जाता है, जस्ट लाइक दिस। मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पर एक कमोड है जिसके अंदर हम पॉटी करते हैं एंड उसके अंदर इन लोगों ने पता नहीं है कौन सी डिश है वो परोसी है। इमेजिन करो आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो एंड एक वेटर ये वाली डिश लेकर आपके सामने आता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे को तो सीधा उल्टी आ जाएगी क्योंकि कमोड के अंदर भाई खाना मतलब इमेजिन करके ही अजीब सा फील हो ब्रेकफास्ट इन शवल, शवल के अंदर ब्रेकफास्ट, शवल के अंदर ब्रेकफास्ट कभी इमेजिन किया था, कभी सोचा था, कभी आइडिया आया था आपके दिमाग में कि हम ऐसी भी चीज देख सकते हैं जहाँ पर शवल के अंदर ब्रेकफास्ट है? हम होटल के अंदर जाएंगे, भैया एक ब्रेकफास्ट लेकर आना, मेरे को एग्स एंड ब्रेड खाना है, एंड देन वेटर एक शवल लेकर आता है, शवल के अंदर आपका ब्रेकफास्ट है एंड देन आपकी वो डिश के ऊपर रख देता है, भाई सब ये लोग आपका खाना ले खा लो इसको। वैसे मेरा एक सवाल है, क्या हम खाना खाने के बाद शवल को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, हम आज चप्पल में खाना खाने वाले, चप्पल के ऊपर खाना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वही चप्पल जो हमको हमारी मम्मी मारती है, वही चप्पल हम अपने पैरों पर पहनकर चलते हैं, उसी चप्पल पर खाना दिया है। आगे से कोई आइसक्रीम है, मतलब ये डेजर्ट में आई है चप्पल। इमेजिन करो आप होटल में खाना खाते हो एंड खाना वगैरह खाने के बाद वेटर डेजर्ट लेकर आता है एंड डेजर्ट में एक चप्पल है। लिटरली मैं उसी चप्पल से उसको मारूंगा, भाई क्या ये, मतलब कोई शर्म नाम की चीज है, अपनी चप्पल में कौन खाना खाता है? वही चप्पल है जो मैं पहनता हूँ। एंड क्या होगा अगर किसी बंदे ने यही वाली चप्पल पहनी हो एंड वो वाला वेटर यही वाली चप्पल में खाना लेकर आता है, तो सबसे पहले आप अपनी चप्पल देखोगे, भाई कहीं इसने मेरी चप्पल तो चुरा कर, लिटरली इंजेक्शन डिश है यहाँ पर इंजेक्शन के अंदर खाना है, लिटरली यहाँ पर एक इंजेक्शन है, उसके अंदर मे बी कोई जूस वगैरह है एंड यहाँ पर एक डिब्बा है। ये डिश देखने के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं होटल में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ, भाई इंजेक्शन के अंदर जूस है। भाई जो नॉर्मल बंदा होता है उसको तो लगेगा कि यहाँ पर डिश में इंजेक्शन है, सो मेरे को अपनी पैंट निकालनी पड़ेगी, देन ये वेटर लेकर आएगा इंजेक्शन लगाएगा मेरे को। कॉफी इन द कैरेट, भाई कैरेट के अंदर कॉफी दी है, काफी वैसे अच्छा आइडिया है, मतलब हम कॉफी भी पी सकते हैं एंड देन कैरेट भी खा सकते हैं अगर आपको कैरेट्स वगैरह खाना पसंद है तो। लेकिन जिस बंदे को कैरेट्स पसंद नहीं है वो कॉफी क्यों पिएगा इस कॉफ मतलब कैरेट के अंदर? एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को कॉफी पसंद है, सो ऑब्वियसली मैं कैरेट के अंदर की कॉफी जरूर पीऊंगा एंड उसको बाद में खा भी जाऊंगा उस कैरेट को, सो टू इन वन। क्या आप लोग भी कैरेट के अंदर कॉफी पीना पसंद करोगे? वाओ, यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर सैंडविचेस है, यहाँ पर एक पिज्जा है छोटा सा, भाई साहब फ्रेंच फ्राइज भी है, एक जूस का ग्लास भी है, नींबू, भाई ये एक ग्लास के ऊपर भाई कितना सामान डालोगे आप? मेरे को लगता है इन मतलब होटल में जितना भी मेनू होगा वो सारा का सारा मेनू इस एक ग्लास के अंदर डाला गया एंड मेरे को लगता है इस ग्लास में ना वाटरमेलन जूस है। सो अगर हम इस होटल में जाएंगे एंड उनको बोलेंगे भाई साहब एक वाटरमेलन जूस प्लीज, तो ये बंदा उस वाटरमेलन जूस के साथ पूरा होटल का मेन्यू दे देगा। वैसे ये काफी अच्छी चीज है, मतलब एक ग्लास के अंदर इतना सारा खाना, मतलब एक मेन्यू, सो नाइस, दैट्स नाइस एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई दिस, मैं ये जरूर खाऊंगा। क्या आप लोग भी इसको खाना चाहोगे? तो यहाँ पर मुझे एक चूहे का कंकाल दिखाई दे रहा है एंड उसके ऊपर क्या ये मीट है क्या भाई? कंकाल के ऊपर खाना दिया है भाई, प्लेट के अंदर कोई बंदा मतलब कोई वेटर कंकाल आपके सामने लेकर आता है एंड उसके ऊपर खाना रखा है, भाई ये कितना अजीब लग रहा है। तो अगर हम इस डिश को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको बिस्किट्स दिखेंगे, ये मे बी कोई फ्रूट है, पता नहीं यार ये क्या अजीब सा दिख रहा है एंड इसके ऊपर मेरे को मीट जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत अजीब है। इमेजिन करो आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो एंड वेटर एक कंकाल लेकर आता है आपके सामने जिसके अंदर चूहा है, चूहो की हड्डी के ऊपर मीट वगैरह रखा है एंड आपको वो चीज खानी है, भाई कितना घिनौना लगेगा। लेकिन दुनिया में से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर ऐसी चीजें होती है, लेकिन ऐसी चीजें अगर इंडिया में आ गई तो डेफिनेटली वो रेस्टोरेंट बंद पड़ जाएगा क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहां पर और एक नया होटल है एंड और एक नई खाना परोसने की स्टाइल है। तो यहाँ पर ये चीज फोम है इस बंदे के हाथ के ऊपर दिया है, भाई प्लेट्स कहाँ पर गई, टूट गई क्या, फोड़ गई क्या, मतलब कोई चोरी कर लेकर गया उनको? भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपकी प्लेट्स वगैरह टूट गई है तो मैं देता हूँ यार, मेरे पास है पैसे, मैं भिजवा दूंगा आपको, डोंट वरी। ये इमेजिनेशन के बाहर की चीज है, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि हाथ के ऊपर भी हमको चीज फोम खाने को मिल सकता है। मतलब हम होटल के अंदर जाएंगे, वेटर खाना लेकर आएगा चम्मच के ऊपर एंड वो बोलेगा सर आपका हाथ दिखाओ, देन आप अपना हाथ दिखाओगे एंड वो अपने हाथ के ऊपर उस चम्मच में से वो डालेगा जो भी होगा उसके अंदर एंड देन हमको उसको चाट कर खाना पड़ेगा, ये कितना अजीब है भाई। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है एंड वो फ़ायदा ये है कि हमको प्लेट्स वगैरह धोनी नहीं पड़ेंगे, मतलब जो होटल वाले बंदे हैं उनका तो काम बच गया ना क्योंकि आप अपने हाथ के ऊपर खाना खाओगे। सैलड इन कोका कोला कैन, कोका कोला के अंदर सैलड दिए, भाई सीधा भी आप दे सकते थे प्लेट के अंदर, मतलब कोका कोला वगैरह उसके अंदर डालने की क्या जरूरत थी एंड कोका कोला का जो एजेस होते हैं वो टूट चुके हैं, वो शार्प होंगे ना, अगर हम सैलड खाने जाएंगे तो हमारा हाथ वगैरह कट सकता है। लेकिन नहीं, हमारा होटल लोगों का बहुत ख्याल रखता है एंड वी आर कस्टमर ओरिएंटेड पीपल एंड हमको पता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, दैट्स व्हाई हम कोका कोला के अंदर सैलड देते हैं।
तो यहाँ पर एक कपड़े सुखाने की डोरी है जिस पर खाना है। आप होटल में जाओगे, बोलोगे वेटर खाना लेकर आओ, वेटर खाना लेकर आएगा एंड आपके सामने रख देगा कपड़े सुखाने की डोरी, उस पर खाना लगा है। एंड यहाँ पर मुझे नीचे थोड़ा सा धनिया दिखाई दे रहा है, तो हमको ये डिश खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्लिप को निकालना पड़ेगा। हर एक क्लिप को निकालने के बाद हमको वो चीज निकाल कर खानी पड़ेगी। भाई कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसे फैंसी होटल्स होने चाहिए यार, हर जगह पर होने चाहिए, बस हमारे इंडिया में ना हो, क्योंकि इंडिया में अगर ये डिश आ गई तो लोग अपने साथ क्लिप्स वगैरह सब कुछ लेकर जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट रेस्टोरेंट, यहाँ पर एक कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर दो स्ट्रॉबेरीज है छोटी सी। इमेजिन करो आप पूरी फैमिली के साथ होटल में खाना खाने के लिए गए हो एंड वेटर आते हैं, कुर्सियाँ लेकर अपने टेबल पर रख देते हैं एंड जाते हैं, बोलते हैं भाई ये लो खाना खा लो, ये होता है हमारे होटल। मतलब बस दो स्ट्रॉबेरीज के लिए पूरी की पूरी चेयर यहाँ पर रख दी, मतलब क्या हम इस चेयर को भी खा सकते हैं? आई गेस ये चेयर एडिबल नहीं है, मतलब हम इस चेयर को खा नहीं सकते, नहीं तो लोग इसको भी खा जाएंगे चॉकलेट समझ कर। नाइस, वॉश बेसिन के अंदर खाना है, उस वॉश बेसिन के अंदर जिसके अंदर हम हाथ धोते हैं, मतलब हम सुबह सुबह उठकर जहाँ पर ब्रश करते हैं या जहाँ पर हम हाथ धोते हैं या जहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं हम किचन के अंदर, वही वाला सिंक, वही वाला वॉश बेसिन, उसके अंदर खाना दिया। एंड क्या हम इस नल को चालू कर सकते हैं? नल को चालू करने के बाद क्या यहाँ से कोई क्रीम वगैरह निकलेगी? देखो इस दुनिया में हर एक बंदे की अलग टेस्ट होती है, उसको अलग अलग चीजें पसंद है, सो मे बी कुछ लोग होंगे दुनिया में जिनको वॉश बेसिन के अंदर या सिंक के अंदर खाना खाना पसंद होगा, तो दैट्स व्हाई ये डिश बनाई गई है यहाँ पर वॉश सिंक। तो यहाँ पर दो डॉल्स है एंड उनको मीट का कॉस्ट्यूम पहनाया गया है। ओ यार मीट वाली डॉल, मतलब हमको उस डॉल के कपड़े उतार कर खाना खाना पड़ेगा। बस यही देखना बाकी रह गया था, पिज्जा ऑन स्नोबोर्ड, स्नोबोर्ड के ऊपर पिज्जा परोसा है। मेरे को ना अभी सचमुच में ऐसा फील हो रहा है कि कहीं डिशेस वगैरह खत्म तो नहीं हो गई ना दुनिया में, क्योंकि यार लोग अजीबोगरीब तरीके की चीजों में खाना परोस रहे हैं, कहीं पर कमोड में, कहीं पर इंजेक्शन में, कहीं पर स्केटबोर्ड में, कहीं पर चप्पल में। भैया कौन सी डिश है यहाँ पर, खाना किधर है? मेरे को तो खाना दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ पर, मेरे को तो सारे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं एनी पर्ल वगैरह है। भाई ओ यहाँ पर एक खाना भाई दिख गया, भाई खाना दिख गया, मतलब यहाँ पर स्टोन्स वगैरह है। भाई कोई बंदा मतलब स्टोन वगैरह खा जाएगा, उसको क्या पता कि ये सब कुछ है जो शो वाला है, ये खाने की चीजें नहीं है, यहाँ पर खाने की बस एक ही चीज है। जस्ट इमेजिन करो आप होटल में जाते हो, आपके सामने ये वाली डिश लेकर आती है, देन आपको तो लगेगा कि ये कोई नया वाला होटल होगा, यहाँ पर मॉडर्न वगैरह चीजें मिलती है, सो पता नहीं ये भी डिश होगी, इसको भी हम खा सकते हैं, देन आप एक स्टोन वो उठाकर खा लेते हो। मेरे को लगता है ये वाली डिश ना जेल के अंदर परोसी जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर वायर्स है, जो वायर्स हम गेट वगैरह के ऊपर लगाते हैं ताकि चोर वगैरह हमारे घर के अंदर ना घुसा सके, एंड उन्हीं वायर्स के ऊपर इन लोगों ने खाना दिया है। तो यहाँ पर एक गमला है, लेकिन खाना किधर है? आई गेस कोई वेज डिश है, हमको इस स्टे को खाना है मे बी। तो यार गाइस आज के खाने में बस इतना ही था, मतलब आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको इनमें से सबसे वियर्ड डिश कौन सी लगी? मेरे को तो वो कमोड वाली एंड वो चप्पल वाली सबसे ज्यादा वियर्ड डिश लगी, एंड आपको कौन सी लगी वो मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं यार, सो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर डेली वीडियोस, ऐसे और भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय।